अक्सर लोग जो मशीनें बना रहे हैं मेटल बॉडी की, वो इस जिसी चादर पे पेंट कर देते हैं, ठीक है, जो कि महीने दो महीने बाद जब इनक्यूबेटर में नमी आती है, मॉइस्चर बनता है, जिसकी वजह से वो पेंट उतर जाता है। हम ये काम नहीं करते सर, हम जो है वो ये वाली चादर यूज़ करते हैं जो इम्पोर्टेड चादर है, लोकल नहीं है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लाइफ टाइम गारंटी हम देते हैं, ठीक है, इसकी हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। एक तो इसको जंगाल नहीं आएगा, ये वाला थर्मापोल यूज़ करते हैं, ये देखें इसकी थिकनेस 2 इंच है, ठीक है, 2 इंच वाला थर्मापोल यूज़ करते हैं। ये इसकी आउटर बॉडी है, ये इसकी आउटर बॉडी है, इसमें थर्मापोल हम रखते हैं, थर्मापोल रख के उसके बाद ये एक अलग से बॉक्स बनाया हुआ है, ये इसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। सेंटर में थर्मापोल की फिलिंग हुई हुई है, ये जो बैंड आप देख रहे हैं ये इस बैंड के अंदर ये थर्मापोल ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो बैंड हैं आप चेक करें कहीं पे लीकेज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हमने मशीनरी के थ्रू इसमें बैंड डाले हुए हैं, कहीं पे इसमें ज़रा से भी लीकेज नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शेबी मुगल ऑफिशियल। आज मैं आपको अपनी मेटल की वर्कशॉप विज़िट करवाता हूँ। बहुत से कस्टमर्स ने मुझे मैसेजेस किए थे और इस वर्कशॉप का विज़िट करवाने का मकसद एक ये भी था कि मैं आपको दिखा सकूँ बेसिकली मेरी मेटल की मशीनों की इंसुलेशन कैसे होती है। कस्टमर मेरे से पूछते हैं कि यार ये मेटल की मशीनें तो आप बना रहे हैं, ठीक है, 80 अंडों वाली बना रहे हैं, 160 वाली बना रहे हैं, 240 वाली, 528 वाली, 1056 वाली एंड सो ऑन, आगे तकरीबन 10,000 अंडों तक मशीनें बना रहे हैं, तो इसमें किस तरह से जो है वो 5 से 6 घंटे लाइट रुक जाती है, यानी कि किस तरह से इसका बैकअप 5 से 6 घंटे है, तो उसकी डिटेल्स बेसिकली बताने के लिए कि वो कैसे उसमें उसमें क्या इंसुलेशन हम यूज़ करते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, किस तरह से उसकी प्रोडक्शन होती है, किस तरह से वो मशीन बनाई जाती है, ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये किस तरह से हीट प्रूफ मशीन है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाऊंगा, ये 80 अंडों वाली मशीन है सारी, ये जितनी भी बॉडीज तैयार हुई हैं ये सारी 80X की ऑटोमेटिक मशीनें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये 80X का इंक्यूबेटर आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेटल बॉडी में कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसको चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, जाहिर बात है आप सारे अगर मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन और भी लोगों को सुन रहे होंगे, तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, 80X में मेटल बॉडी का इंक्यूबेटर आपको कहीं से इस मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एक भाई हैं बना रहे हैं लेकिन वो भी फ्रिज में बना रहे हैं, मेटल में नहीं बना रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि जिस प्राइस में, जिस क्वालिटी में, जिस चीज़ में, जिस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में मैं आपको ये मशीन दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भोंगल इंक्यूबेटर के अलावा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 80X की मशीन थी, ये हमारी 240 से 320 अंडों की ऑटोमेटिक मशीन है, ये भी मेटल बॉडी में ही अवेलेबल है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बैक साइड पे दिखा सकूं, ये हमारी 160 अंडों की मशीन है, थोड़ा सा कैमरा क्लोज कीजिएगा, ये देखें इसमें इंसुलेशन बेसिकली कैसे हो रही है, ये देखें बाहर भी मेटल की चादर लगी हुई है, अंदर भी मेटल की चादर, दरमियान में थर्मापोल की इंसुलेशन है, ठीक है। ये देखें ये थर्मापोल हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी थिकनेस देखें, छोटी मशीनों में हम ये 1 इंच वाला थर्मापोल यूज़ करते हैं, ठीक है, और हाई डेंसिटी थर्मापोल है, नॉर्मल वाला आम थर्मापोल नहीं है। और जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें हम जो है वो ये वाला थर्मापोल यूज़ करते हैं, ये देखें इसकी थिकनेस 2 इंच है, ठीक है, 2 इंच वाला थर्मापोल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में अगर बात की जाए तो ये देखें 1.5 इंच वाला, ठीक है, 1.5 इंच वाला, ये जो है वो हम मशीनों की कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कि 80 अंडों वाली मशीन है उसमें हम यूज़ करते हैं 1 इंच वाला थर्मापोल और 1.5 इंच वाला, इससे ऊपर चले हैं 240 और 160 वाली में हम 1.5 इंच वाला यूज़ करते हैं, इससे ऊपर जब 528 से शुरू करते हैं तो हम 2 इंच वाला थर्मापोल यूज़ करते हैं। ये बेसिकली वो चीज़ है जिसकी वजह से अगर आपकी लाइट चली भी जाए तकरीबन 5 से 7 घंटों के लिए भी लाइट आपकी अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपकी मशीन को, आपके जो मशीन के अंदर आपने अंडे रखे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद डिटेल्स के लिए मैं आए आपको और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ठीक है, ये इसकी आउटर बॉडी है, ये इसकी आउटर बॉडी है, इसमें थर्मापोल हम रखते हैं, थर्मापोल रख के उसके बाद ये एक अलग से बॉक्स बनाया हुआ है, ये इसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है, सेंटर में थर्मापोल की फिलिंग हुई हुई है, ये जो बैंड आप देख रहे हैं ये इस बैंड के अंदर ये थर्मापोल ऐड हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद ये रख देते हैं, तो कस्टमर अंदर से देखता है ये इनर बॉडी है इसकी, तो कस्टमर ये समझता है कि जैसे कि इसके अंदर मसलन कि यही क्वेश्चन हमसे कहता है कि इसमें इंसुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि बॉडी के आउटर साइड, इनर साइड और उसके दरमियान का थर्मापोल। अब एक आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारा प्रेसमैन बैठा हुआ है, बैंड डाल रहा है, ठीक है। हमारा मैनुअल काम नहीं है, हम बेसिकली मशीनरी के थ्रू काम करते हैं, प्रॉपर बैंडिंग होती है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसमें हीट स्टे कैसे कर जाती है, 5 से 6 घंटे हीट स्टे कैसे करती है, उसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ये इसका इनर साइड वाला बॉक्स है, आप इसके बॉक्स में अगर थोड़ा सा ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो इसके जो बैंड हैं आप चेक करें कहीं पर लीकेज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हमने मशीनरी के थ्रू इसमें बैंड डाले हुए हैं, कहीं पे इसमें ज़रा से भी लीकेज नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ थी आज के टॉपिक की जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम इसमें जो 5 से 6 घंटे की मैं बार बार दावा करता हूँ, तो उसमें हीट स्टे कैसे करती है, बेसिकली ये एक मेन टॉपिक था, ठीक है। आगे आए, आगे मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये प्रोडक्शन हो रही है, ये हमारे सीनियर जो हजरात हैं वो लगे हुए हैं। बॉडी किस तरह से तैयार होती है ये सारा आपके सामने है जी, ठीक है। यहाँ से बॉडी तैयार होने के बाद यहाँ पे आ जाती है, बैंडिंग होती है, बैंडिंग होने के बाद यहाँ आ जाती है, उसमें थर्मापोल की फिलिंग होती है, थर्मापोल की फिलिंग होने के बाद जो है फिर उसको फाइनल स्टेज पे हम लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, इसके अलावा जो हम इसके अंदर चादर यूज़ करते हैं अपनी मशीनों के अंदर, उसका भी मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ। हमारी इंक्यूबेटर्स में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली ये चादर यूज़ की जाती है, वो कोई आम चादर नहीं है, यानी कि अवेलेबल तो है, सारों के पास मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हाई क्वालिटी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं उसका भी डिफरेंस आपको बता देता हूँ, ये देखें जी, ये है जिस्ती चादर जो आपके घरों में एयर कूलर्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। जिस्ती चादर, ये बेसिकली वो चादर है, हम ये चादर यूज़ नहीं करते हैं। आपके घरों में, अक्सर भाइयों के घरों में एयर कूलर यूज़ हो रहे हैं, उसमें पानी जब आता है तो आप देखते हैं कि उसमें 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जंग आ जाता है, लेकिन हम ये वाली चादर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम यूज़ करते हैं ये वाली चादर, ये देखें, ठीक है, ये चादर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पर आप दोनों साइडों पर देखें, ये जिस्ती चादर नहीं है, इसको कहते हैं इम्पोर्टेड पोडो कोटिंग चादर, इम्पोर्टेड पोडो कोटिंग, ठीक है। इस पर पाउडर कोटेड हुई होती है ऑलरेडी, ठीक है, ये पानी से ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इस चादर के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम पाउडर कोटेड कहते हैं, ठीक है। आप ये मेरी मशीनों में देख सकते हैं, यही वाली चादर यूज़ हुई हुई है, ठीक है, सारी मशीनों में आप देख सकते हैं। बाहर वाली साइड से ये वाइट कलर है और इसकी जो बैक साइड है वो हल्का लाइट ग्रे कलर है, ठीक है। ये देखिए लाइट ग्रे कलर यूज़ हुआ हुआ है और बाहर वाली साइड पे जो है वो वाइट कलर यूज़ हुआ हुआ है। अक्सर लोग जो मशीनें बना रहे हैं मेटल बॉडी की, वो इस जिस्ती चादर पे पेंट कर देते हैं, ठीक है, जो कि महीने दो महीने बाद जब इनक्यूबेटर में नमी आती है, मॉइस्चर बनता है, जिसकी वजह से वो पेंट उतर जाता है। हम ये काम नहीं करते सर, हम जो है वो ये वाली चादर यूज़ करते हैं जो इम्पोर्टेड चादर है, लोकल नहीं है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लाइफ टाइम गारंटी हम देते हैं, ठीक है, इसकी हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। एक तो इसको जंगाल नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा लाइट जाने की सूरत में, मैंने आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि क्योंकि अक्सर इनक्यूबेटर्स बनाने वालों से जब लोग इनक्यूबेटर परचेज करने आते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा भी ट्रेंड चला हुआ है, वो कहते हैं जी आप जाकर पहले, आपने अगर 5,000 रुपये का फॉर एग्जांपल इनक्यूबेटर परचेज करना है, तो जाके आप पहले 40,000 रुपये का तो UPS परचेज करें ना। अगर आप 40,000 का UPS परचेज नहीं कर सकते, तो हमसे DC इनक्यूबेटर लाजमी बनवाएं। सब बेकार बातें हैं, ठीक है। DC इनक्यूबेटर जैसा, लोकल में मैं बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड में नहीं, लोकल में DC इनक्यूबेटर से ज़्यादा बदतरीन इनक्यूबेटर मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप AC इनक्यूबेटर को या तो इन्वर्टर पर यूज़ कर लें, ठीक है, तो या इनक्यूबेटर ही कुछ इस टाइप का बाय कर लें कि लाइट जाने पर कोई इशू ना हो। अब एक बंदा, उसने उसका बजट ही जो है वो 20 से 25,000 रुपये का, अब वो अगर 15,000 रुपये का इनक्यूबेटर फॉर एग्जांपल परचेज करता है, तो वो जाकर पहले 40,000 रुपये का जो है ना वो UPS परचेज करे, बैटरी परचेज करे, बेवकूफ़ है। महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, किस साइड पे लोगों ने लगाया हुआ है कस्टमर्स को, तो लिहाजा आप इन धोखेबाजों से बचें, ठीक है। ये सरासर धोखेबाज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ गलत रस्ते पर पैसे कमाने के लिए गलत रस्ते पर लोगों को लगाया हुआ है, इन चीज़ों से बचें, ठीक है। और मशीन ऐसी परचेज करें, ठीक है, जो आपकी सर्दियों में भी काम आए, ठीक है। DC इनको मेरी एक बात जहन में रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को गौर से सुनिएगा और अपने जहन में रखिएगा कि जो DC इनक्यूबेटर है लोकल,
इम्पोर्टेड नहीं, लोकल। सर्दियों में वो बिल्कुल फेल है, बेकार तरीन चीज़ है, ठीक है। लिहाजा डीसी इनक्यूबेटर लेने से अवॉइड करें, बिल्कुल बेकार है। उससे बेहतर है कि आप कुछ इस टाइप का इनक्यूबेटर परचेज कर लें जिसमें हीट 5 से 6 घंटे तक स्टे कर सके। इतनी तो पाकिस्तान में लाइट नहीं जाती है कि 12-12, 15-15 घंटे लाइट ना हो, ज़्यादा से जाती है 2-4 घंटे चली जाती है। तो इनक्यूबेटर आप ऐसा बाय करें, ठीक है, और इन धोखेबाजों से बचें।